वीरों और देशभक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आज आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने अपने कठिन संघर्ष के बलबूते पराधीनता के घोर अंधेरे में देश की स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था। इतने वर्षों बाद वह महान ज्योति कुछ मद्धम पर गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार बढ़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी उजेंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। भाई और बहनों, देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी, उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिढ़ारण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक, जूता पहने
मुश्किल है। मेहनतकश कामगार के परिश्रम का मोल कम होता जा रहा है। रसोई की महंगाई बार बार मेरी बहनों की अग्नि परीक्षा ले रही है। किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे बच्चियां बेरोजगार हैं। गरीब जितना जोर लगा ले उसके पास शक्ति, सफलता और रोशनी पहुंच नहीं पा रही है। साथियों, आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसका लोकार्पण अभी अभी हुआ और जिसके बारे में प्रियंका ने विस्तार से आपको बताया है। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज ये मौका है कि हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा, कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है, ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं का कि एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है, देखिए आज की परिस्थितियां क्या है, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है, क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया, अग्निवीर जैसी स्कीम लाई, जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गईं।